मौसमी घटनाक्रम अलिनो की वजह से जनवरी के दौरान बरसात की कमी देखी जा रही है साथ में पहाड़ों पर इस बार बर्फबारी भी बहुत कम है आशंका यहां तक है कि अलिनो की वजह से आगे चलकर खरीफ सीजन पर भी मार पड़ सकती है इस बीच मौसम विभाग का मानना है कि इस बार अलिनो का असर मानसून के शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाएगा सर आपको लगता है मौसम विभाग तो हमेशा कहता तो ऐसा ही होता कुछ और है क्या अलिनों का असर मानसून तक दिख सकता है अब शुभम दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लोग अगर इसे देख रहे हैं तो उनको लग रहा होगा कि काफी सर्दी है और काफी ठंड है और उसे महसूस कर रहे होंगे लेकिन अनिनों ने इस बार बहुत गहरा असर किया भारत के पर्यावरण पर पहाड़ों पर इस बार बर्फबारी नहीं हुई जो लोग पहाड़ों की खबरों से से राबता रखते हैं उसके बारे में जानते उन्हें पता होगा कि इस बार देश के अधिकांश हिस्सों में उतना बर्फ उतनी बर्फबारी नहीं हुई जितनी संभावना थी और यही खतरा था अनिनों के असर का दूसरी चीज ये जो औसत तापमान गेहूं की फसल के लिए चाहिए था जितना मॉइस्चर जितनी नमी गेहूं की फसल के लिए चाहिए थी वो रबी की फसल को नहीं मिली और हम धीमे धीमे अब आ, आ, सर्दियों के उत्तरार्ध की तरफ आ गए और अब तापमान बढ़ने की प्रक्रिया यहां से शुरू होती है और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह मौसम विभाग ने यह कहा कि अलिनों का असर जून तक खत्म हो जाएगा हालांकि मौसम विभाग ने इससे पहले भी बहुत सारी बातें पिछले साल कही थी उनको आपको एक चुटकी नमक के साथ लेना चाहिए लेकिन अगर एलनिनों का असर अगले मानसून को भी प्रभावित करता है यानी जो मानसून मई जून से बनना शुरू होता है अगर उसका असर वहां तक जाता है तो फिर ज़्यादा चुनौतीपूर्ण परिस्थिति बनेगी हालांकि अभी एलनिनों के अगले मानसून के असर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से एजेंसियों के आकलन आने नहीं शुरू हुए हैं लेकिन उम्मीद ही जाहिर की गई है मौसम विभाग को उम्मीद है कि शायद मई जून तक जाकर अनिनो न्यूट्रल हो जाएगा लेकिन मई जून तक कितनी गर्मी होगी और उसका क्या असर होगा हमें से आप इसकी जानकारी आपके पास लाते रहेंगे क्योंकि भारतीय फसल के लिए अनिनो का ये चक्र कम से कम दो फसलों को तो प्रभावित कर चुका है तीसरी फसल पर भी इसका खतरा मंडरा रहा है